मूवी के स्टार्टिंग में हम शॉन पोर्टर नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो एक काउंसलर और एक्स बेसबॉल खिलाड़ी है जिसे किलपैट्रिक कैंप नामक एक टीनेजर जेल में नियुक्त किया गया है, जिसमें अपराध करने वाले 18 से 20 सालों के लड़कों को रखा जाता है। तब से वह वहां उन सभी लड़कों की मदद करने, साथ ही हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी और टीम लीडिंग के माध्यम से उनके जीवन को बदलने की कोशिश करता है। क्योंकि जितने भी लड़के क्राइम करने के बाद उस जेल में आते हैं, उनमें से 80% लड़के बाहर निकलने के तुरंत बाद अपने या राइवल गैंग द्वारा मारे जाते हैं। बाकी 15% लड़के अगेन क्राइम करके फिर से जेल में आते हैं और बस 5% कैदी ही अपने जीवन में सुधार लाते हैं और अपनी लाइफ अच्छे से गुजारते हैं। एक दिन जेल में कैदियों में से रोजर नाम का एक कैदी जो 88 गैंग का सदस्य है, उसने केल्विन ओवेंस के साथ लड़ाई शुरू कर दी जो 95 गैंग का सदस्य है। 88 और 95 गैंग के बीच काफी समय पहले ही दुश्मनी थी जो किसी विवाद के कारण शुरू हुई थी, इसलिए गैंग के मेंबर होने के चलते उन दोनों के बीच हमेशा लड़ाई होती रहती थी। तब लड़ाई शुरू करने के कारण रोजर को आइसोलेशन रूम में ले जाया गया। तब वहां पोर्टर आया और रोजर को उसके कार्यों के लिए बहुत डांटा। उसने रोजर को सलाह दी और उसे अपने इन बेमतलब के कार्यों पर विचार करने के लिए कहा, क्योंकि वह बेमतलब की गैंग की लड़ाई में मारा जाएगा। साथ ही पोर्टर ने यह भी कहा कि केवल वही है जो उसे बाहर इन गैंग वॉर से बचा सकता है। अब कुछ समय बाद रोजर को जेल से रिहा कर दिया गया। फिर रोजर विली वेयर्स नाम के अपने चचेरे भाई और उसकी गर्लफ्रेंड डेनियल के साथ घूम रहा था। विली अपनी गर्लफ्रेंड की बहुत तारीफ कर रहा था कि तभी अचानक से सीको और लील नाम के उसके दो दोस्त उनके पास आए। सीको ने कहा कि 95 गैंग वालों ने उसके भाई की साइकिल चुरा ली है, इसलिए गैंग मेंबर्स होने के नाते दोनों को उनके साथ आना होगा और 95 गैंग वालों को सबक सिखाकर अपने भाई की साइकिल वापस लेंगे। सीको बदले की भावना में था और उनके पास गन्स भी थी। रोजर जो अभी अभी जेल से बाहर निकला था, वह उनके साथ जाने के लिए राजी नहीं था, लेकिन गैंग का मेंबर होने के चलते बेमन से उसे सहमत होना पड़ा। जब वे सभी आगे जाने लगे कि तभी एक कार आई जिसमें 95 गैंग के लोग थे और वे अचानक ही उन सभी पर गोलियां चलाने लगे। लील वहीं मारा गया जबकि सीको भाग गया और कुछ देर बाद रोजर भी मारा गया, लेकिन विली किसी तरह बच निकला। अब अपने भाई की लाश को देखने के बाद विली भी बदले की आग में जल उठा और 95 गैंग को खत्म करने की कसम खाता है। रोजर की मौत ने उसकी माँ से ही सभी को दुखी कर दिया जो उस एक्सीडेंटल प्लेस पर आए थे। 88 और 95 गैंग के बीच अक्सर खून खराबा होता था, जैसा कि शॉन ने अनुभव किया था। रोजर बाहर जाने के बाद मारा गया। फिर फ्री नाम का लड़का विली के पास आया। वह 88 गैंग का लीडर है और वह विली को उनसे बदला लेने के लिए कहता है, क्योंकि 95 वालों ने 88 गैंग के बहुत लड़कों को मार डाला था, जिसमें फ्री का भाई क्लिक भी शामिल था। फ्री ने विली से कहा कि वह अपने भाई का बदला ले और 95 गैंग लीडर के भाई को मार डाले, जिसका नाम एंथनी है और वो सुपरमार्केट में काम करता है। साथ ही फ्री ने कहा कि वह उसके साथ है। इस पर विली मान गया। इस बीच किलपैट्रिक कैंप में मेलकम नाम के गार्ड ने पोर्टर को बताया कि रोजर की मृत्यु हो गई है। यह सुनकर उसे बहुत दुख हुआ कि उसी समय जूनियर नाम के एक कैदी ने दूसरे कैदी पर हमला कर दिया। इससे पोर्टर नाराज हो गया और उसे डार्क सेल में भेज दिया। पोर्टर वहां की स्थिति देखकर फ्रस्ट्रेट था। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह इन जवान लड़कों को उनके जीवन के डार्क साइड से आजाद होने में मदद करने में सक्षम नहीं है। उस रात बदले की आग में जलता है विली बदला लेने की तैयारी कर रहा था। वह सुपरमार्केट का दौरा करता है जहां एंथनी काम करता है, लेकिन जब वह एंथनी से मिलता है तो वह उसे शूट करने में हिचकिचाने लगा। फिर उसने अंत में गोली चला ही थी जिससे एक गोली शीशे की खिड़की पर लगी और एक एंथनी को। यह देखकर वह घबरा गया और अंत में उस जगह से भाग गया। जब वह घर पहुंचा तो विली ने देखा कि उसकी माँ के चेहरे पर उसके सौतेले फादर द्वारा पीटे जाने के कारण चोट लगी थी, जो घर में तब आया था जब उसे पैसे की जरूरत थी। उसने विली के सामने उसकी माँ को मारा। उस समय विली गुस्से से उबल रहा था और ये सब देखकर वो परेशान हो चुका था। और तब आखिरकार विली ने बिना सोचे समझे अपने भाई और माँ की मौजूदगी में ही उस आदमी पर बंदूक तान दी। फिर उसने तुरंत अपनी बंदूक चला दी और उस आदमी को मार डाला। अब विली को उसके इन कारनामों के कारण उसे किलपैट्रिक कैंप में भेज दिया गया। एक दिन पोर्टर इन सारे कैदियों को एक करने और आपस में लड़ाई ना करने का जरिया सोच रहा था। तब उसे एक आइडिया आया। उसने सोचा कि वह इन सभी लड़कों का एक बेसबॉल टीम बनाएगा और एक टीम में होने की वजह से शायद वो आपस में लड़ना बंद कर दे और एक हो जाए। फिर पोर्टर ने इस चीज को किलपैट्रिक कैंप के हेड को बताया, जिसमें इन लड़कों की टीम को शहर में हो रहे हाई स्कूल बेसबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने दिया जाए। पोर्टर ने पॉल और टेड नाम के अपने मालिकों को इस कारण से मनाना शुरू किया कि यह खेल भावना इन लड़कों के उनकी आशा और सकारात्मक सोच दे सकता है और उनकी आपसी रंजिश को खत्म करके जेल के बाहर एक अच्छी जिंदगी जीने में मदद कर सकता है। उन्हें भी उम्मीद है
कि उसके इस विचार के उन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा जब वह जेल से रिहा होंगे। लेकिन पहले तो उन्होंने एक जेल की टीम बनाने से मना कर दिया क्योंकि ये बहुत ही बकवास आइडिया है, इसलिए कि कोई भी टीम अपराधियों से बनी इस टीम से मैच नहीं खेलेगी, और किसी ने अगर खेला भी तो सबसे पहले उन्हें गवर्नमेंट से जेल की बेसबॉल टीम बनाने के लिए परमिशन चाहिए होगी, जो बहुत कठिन है, और साथ ही लड़कों की एक टीम बनाना उससे भी मुश्किल काम है। लेकिन पोर्टर ने कहा कि वो सब कुछ देख लेगा। अब काफी विचार विमर्श करने के बाद आखिरकार पॉल और टेड ने उसके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसी बीच कैंप में देखा गया कि वहां बास्केटबॉल खेल रहे लड़कों के ग्रुप से थोड़ी दूर विली अकेला बैठा था और अचानक बास्केटबॉल उसकी ओर उछला। तब जूनियर ने विली को बास्केटबॉल लाने के लिए कहा, पर वह चुप रहा। इससे जूनियर को गुस्सा आ गया। वे लड़ाई शुरू करने ही वाले थे कि तभी ओवेन नाम के एक लड़के ने उन्हें रोक दिया। हालांकि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि विली और ओवेन में पहले से ही गहरी दुश्मनी है, क्योंकि ओवेन 98 गैंग का गैंग मेंबर है। वे दोनों एक दूसरे को मार काटने के लिए तैयार थे। तभी वहां पर पोर्टर आता है। उसने लड़कों को बताया कि वह एक बेसबॉल टीम बना रहा है। शुरुआत में सभी लड़कों को ये बात मजाक लगी, लेकिन पोर्टर ने टीम में शामिल होने के लिए जेल के कई लड़कों को आकर्षित करने में कामयाबी हासिल की, जिसमें पेरेज, बेट्स, लियोन, एलन, इवांस, मेडलॉक और बहुत सारे लड़के शामिल थे। साथ ही 13 साल का बग भी था, जो वाटर बॉय के रूप में टीम में शामिल किया गया। शुरू में जूनियर को यह सब मजाक लग रहा था, लेकिन लड़कों की टीम में दिलचस्पी लेने को देखकर उसका भी मन टीम में आने को हुआ, इसलिए उसने भी टीम में शामिल होने की पेशकश की। लेकिन पोर्टर ने उसे इस आधार पर मना कर दिया कि वह अनुशासनहीन है और हमेशा इशू क्रिएट करता है और लड़कों से बिना किसी बात के फाइट करता है। इस बात से वह बहुत चिढ़ गया। अंत में पोर्टर ने विली को भी अपने टीम में खेलने के लिए कहा, क्योंकि वह टीम में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। पोर्टर चाहता था कि विली जेल से रिहा होने के बाद रोजर से बेहतर जीवन जिए। विली के पास पोर्टर के निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर पोर्टर और मेलकम ने सभी के साथ एक सक्षम और सबल टीम बनाना शुरू किया। पोर्टर ने लड़कों को ट्रेन करना शुरू कर दिया। फिर पोर्टर ने टूर्नामेंट में अपनी टीम उतारने के लिए वे शहर के कई बेसबॉल क्लब और स्कूलों में भी गए। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनकी टीम अपराधी लड़कों से बनी जेल की टीम है, तब कोचेज ने मैचेस के लिए इनकार कर दिया। अंत में पोर्टर एक क्रिश्चियन स्कूल में कोच टेरेंस से मिला। तब शुरुआत में टोरेंस ने भी इनकार कर दिया और कहा कि ऐसे लड़कों के साथ मैच खेलना खतरों से खाली नहीं होगा, ग्राउंड पर ये लड़के कुछ भी कर सकते हैं। तब मेलकम ने उससे कहा कि शायद उसके एक स्टेप से इन बच्चों की जिंदगी बदल जाए। इस बात से टोरेंस सहमत हो गया और उसने अपनी लिंक से पोर्टर की टीम को टूर्नामेंट में खेलने की मंजूरी दिलवा दी और पोर्टर को मैचेस के वेन्यू और डेस्क की भी लिस्ट दे दी। दोपहर के बाद पोर्टर ने किलपैट्रिक ग्राउंड पर अपनी टीम को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उन्हें स्पष्ट रूप से बताया कि उसे परवाह नहीं है कि वे इस समय कौन से गैंग से ताल्लुक रखते हैं या नहीं रखते, बस वे एक टीम है। पोर्टर ने टीम का नाम मस्टैंग रखा, जो हमेशा जीतने के लिए जानी जाती है। उसका मानना है कि उन्हें केवल बस मेहनत करना होगा और वे चैंपियन जरूर बनेंगे, और इसलिए उन्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा। पहला, उन्हें जेल में अच्छे बिहेवियर से रहना होगा, और दूसरा, उन्हें किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना होगा, और तीसरा, उन्हें ग्रिडरान में मौजूद हर नियम का पालन करना होगा। ग्रिडरान उस ग्राउंड का नाम है जिस पर वे अभी बेसबॉल खेलते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। पोर्टर कहते हैं कि अभी वे हारे हुए हो सकते हैं, लेकिन अगर वे इस चुनौती को पार कर जाते हैं और बेसबॉल टूर्नामेंट जीत जाते हैं तो वो विनर्स होंगे और लोग उनकी इज्जत करेंगे। साथ ही पोर्टर उन्हें दिसंबर में बिना शर्त रिहा करने का वादा करता है। अब पहली प्रैक्टिस शुरू होती है, जिसमें सभी खिलाड़ियों ने मस्टैंग वर्ड का प्रोनाउंसिएशन किया, लेकिन उनमें से किसी ने भी मस्टैंग वर्ड का प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं किया। तब पोर्टर ने उन्हें डांटा और उन्हें तब तक दोहराने के लिए कहा जब तक कि वे किनारे पर एकजुट नहीं हो गए। वहां जूनियर को उदास बैठे देखा गया, क्योंकि वह अभ्यास के दौरान टीम में शामिल नहीं था। इवांस, जिसका वेट बहुत ज्यादा था, उसने शिकायत की कि उसकी बॉडी इस प्रैक्टिस के लिए उसका साथ नहीं दे पा रही है, इसलिए उसने मैदान छोड़ दिया। लेकिन पोर्टर को यह देखकर बहुत गर्व हुआ कि उसकी टीम ने ट्रेनिंग में इतना ज्यादा प्रयास किया, और अगर वे ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अपने पहले मैच में पैंथर टीम को हरा सकते हैं, जो केवल 3 साल में सिर्फ 5 बार हारे हैं। रात में जब पोर्टर अपनी टीम को टूर्नामेंट के बारे में ब्रीफिंग दे रहा था, तभी जूनियर को एक मैदान पर वस्तुओं को पटकते देखा गया। तभी वहां पोर्टर आया और उसके पास गया। पता चला कि जूनियर एक लूजर होने से बहुत आहत था, जिसके चलते वो टीम में नहीं है। वो अपने दोनों जुड़वा बच्चों के जन्मदिन पर आज अपने घर पर मौजूद नहीं है। उसने कहा कि वह बहुत ही बुरा आदमी है, लेकिन वह अपने जीवन में कुछ करना चाहता है। वह बेसबॉल टीम में शामिल होना चाहता था ताकि उसके बेटे को गर्व हो।
तब बिना कुछ सोचे पोर्टर ने उसे टीम में शामिल होने की अनुमति दे दी। लेकिन अगले दिन अभ्यास करते समय जूनियर ने नियमों का पालन नहीं किया और उसका किसी से झगड़ा हो गया। इस पर पोर्टर ने उसे डांटा और फिर से प्रैक्टिस करने के लिए कहा। प्रैक्टिस सेशन के बाद आराम करते समय ऐसा लगता है कि ओवे ने विली को भड़काया और उसके सामने पानी फेंक दिया। जब ट्रेनिंग फिर से शुरू हुआ तो विली ने ओवेन के चेहरे पर अटैक कर दिया, क्योंकि ओवेन राइवल गैंग से था। अब हंगामा मचने पर पोर्टर ने तुरंत इंटरफेयर किया और उन्हें ट्रेनिंग के दौरान अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को एक तरफ रखने के लिए कहा, क्योंकि टीम में ये सब नहीं चलेगा। विली इस बात से नाराज है कि 95 गैंग ने रोजर को मार डाला, लेकिन ओवेन का कहना है कि 88 गैंग ने पहले उसके सबसे अच्छे दोस्त को मार डाला। पोर्टर ने उन्हें डांटा और कहा कि वे एक दूसरे को माफ कर दे, लेकिन उन दोनों ने इनकार कर दिया। पोर्टर ने कहा कि उन्हें एक दूसरे की गलतियों पर विचार करना चाहिए, क्योंकि न ही ओवेन ने 88 के किसी बंदे को मारा है, न ही विली ने 95 के किसी बंदे की जान ली है। एक दिन पोर्टर ने पॉल से मुलाकात की। पोर्टर इस बात से नाराज है कि उनकी बेसबॉल टीम के लिए फंड में देरी हो रही है। पोर्टर गुस्सा था और कह रहा था कि उन्हें चीजों को तेज करना होगा ताकि वो अपनी टीम के लिए जरूरी इक्विपमेंट खरीद सके। तभी टेड वहां पर आता है और कहता है कि उसकी टीम ऐसा नहीं कर पाएगी, नहीं जीत पाएगी, क्योंकि उनमें से कुछ हत्यारे हैं। हालांकि पोर्टर ने अपनी आवाज उठाई और कहा कि उसे पूरा यकीन है कि वह लड़कों को इस चीज की मदद से उन्हें हत्या जैसे बुरे व अपराधी कामों से दूर कर देगा। इमोशन से भरपूर पोर्टर कमरे से चला गया। पोर्टर का गुस्सा तब और बढ़ गया जब उसने देखा कि उसकी टीम अपना फॉर्मेशन तैयार करने में कामयाब नहीं हो पाई है, और इसलिए पोर्टर ने तब तक ट्रेनिंग जारी रखने का फैसला किया जब तक उनका फॉर्मेशन सही नहीं हो जाता। लेकिन थके हुए टीम के सदस्य बैठ गए और पोर्टर के आदेशों को नजरअंदाज कर दिया। यह देखकर पोर्टर मुस्कुराया, क्योंकि वह खुश था कि कम से कम किसी एक चीज के लिए इनमें सहमति तो बनी। और तब पोर्टर ने कहा कि यही टीम होती है जो किसी भी सिचुएशन में एक साथ होती है, और फिर उसने बक को उन्हें पानी देने के लिए कहा। अगले दिन पोर्टर अपनी माँ के साथ गाड़ी चला रहा था। उसने कहा कि वह अपनी टीम को बहुत मुश्किल से पुश कर रहा है, पर उसकी माँ का कहना है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और उन्हें पोर्टर पर प्राउड है। अब आखिरकार उनकी टीम के लिए बेसबॉल किट आ ही गई और पोर्टर ने ये सारी चीजें खुद लोन लेकर खरीदे थे। जब टीम ने वे कपड़े पहने तो वे बहुत खुश थे। कुछ लोग किट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अर्थात प्राइवेट पार्ट की सुरक्षा करने वाले गार्ड को नजरअंदाज कर दिया और कहा कि जो इसे पहनता है वह गे है। मैदान में प्रैक्टिस करते समय उनमें से किसी ने गलती से मैडलॉक के प्राइवेट पार्ट पर प्रहार कर दिया। तब सबको फील हुआ कि प्राइवेट गार्ड कितना महत्वपूर्ण था। तब वे ड्रेसिंग रूम में गए और गार्ड पहना और ग्राउंड पर लौट आए। इधर अपनी टीम का प्रतीक्षा करते हुए पोर्टर ने लियोन से बातचीत की। लियोन एक ड्रग डीलर था, इसलिए वह गणित में काफी माहिर था। लियोन का काम टीम में प्लेयर्स को गेंद पास करने का था, इसलिए उसे ग्राउंड के डायमेंशंस को अपने दिमाग में रखकर बॉल के ऊपर फोर्स जनरेट करना था, जिससे गोल करने वाले प्लेयर्स को बॉल आसानी से मिल जाए। और मेडलॉक जो डिफेंडर था वो बॉल को ठीक से डिफेंड नहीं कर पा रहा था, इसलिए पोर्टर ने लियोन को कहा कि वह मेडलॉक को बैच बॉल खेलने के लिए मैनुअल तरीका सिखाए। अगले सिन में फैमिली कैदियों से मिलने आई थी। तब जूनियर अपनी पत्नी और बेटे से मिलता है। इस बीच डेनियल भी विली को देखने आए, लेकिन क्योंकि विली की भावनाएं अभी भी बदला लेने वाली थी, इससे वह क्रोधित हो जाती है और वहां से चली जाती है। दूसरी ओर बेट्स भी अपनी माँ से मिलता है, लेकिन उसकी माँ भी उससे गुस्सा होकर वहां से चली गई। इससे बेट्स उदास और अकेला हो गया। तब पोर्टर उसके पास आया। बेट्स इस बात से दुखी था कि उसकी माँ उसकी परवाह नहीं करती है, क्योंकि वो अभी भी उसे क्रिमिनल समझती है जिस क्राइम को उसने अनजाने में किया था। तब पोर्टर ने बेट्स को टीम में गोल करने वाला रोल दिया, जिससे बेट्स को बहुत खुशी हुई। उस रात विली ने डेनियल को एक पत्र लिखा जिसमें उसने कहा कि वह बदलने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस समय उसके पास डेनियल को छोड़कर कोई नहीं है। साथ ही उसकी माँ विली को छोड़कर ऑकलैंड में अपने घर चली गई, इस डर से कि उसका छोटा भाई कहीं उसके रास्ते पर न चलने लगे। हमने देखा कि जेल में ट्रेनिंग जारी रहती है, क्योंकि अब प्रैक्टिस के लिए केवल 5 दिन बचे हैं, लेकिन टीम के कुछ मेंबर्स अभी भी अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं। कि तभी खेल के बीच में जूनियर को अचानक चोट लग गई और वह अगले राउंड से बाहर हो गया। अगले दिन टीम जूनियर के बिना ही प्रैक्टिस करती है कि अचानक वे लड़कों को फाइट करते हुए देखते हैं। उनमें से एक मेडलॉक का दोस्त है। वह मेडलॉक को उन सभी के खिलाफ भड़का रहा था, लेकिन पोर्टर ने उसे रोका और मेडलॉक को शांत होने के लिए कहा। तभी जूनियर वहां आया और उसने कहा कि भले ही वह अब नहीं खेलेगा, लेकिन एक टीम के तौर पर उन लोगों को जीतना होगा। जूनियर की इंजरी से टीम को बहुत लॉस हुआ था, क्योंकि वह टीम में सबसे तगड़ा डिफेंडर था। जिस दिन मैच शुरू हुआ, इवांस दुखी दिख रहा था, क्योंकि उसका शरीर टीम में शामिल होने की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता था। इस बीच ओमेश और विली के बीच विवाद सुलझ नहीं पाया।
अब खेल शुरू होने से पहले पोर्टर ने सभी को निर्देशित किया और मस्टैंग टीम को चीयर किया। अब पहले मैच में शुरू में बेनिंगटन टीम मस्टैंग पर हावी दिख रही थी और धड़ाधड़ गोल करने लगी, लेकिन मस्टैंग्स हारना नहीं चाहते थे। उन्होंने प्लान बनाया, लेकिन यह सब व्यर्थ लग रहा था। बेनिंगटन की टीम हमेशा गोल करने में सफल रही। अंत में 28-0 से मस्टैंग टीम हार गई। सब बहुत दुखी थे, लेकिन पोर्टर ने किसी का दोष नहीं दिया और कहा कि वे सभी ग्रेट्स हैं, क्योंकि केवल 3 हफ्ते की ट्रेनिंग में ही उन्होंने बेनिंगटन जैसी टीम को एक समय पर पानी पिला दिया था, जो इस टूर्नामेंट की सबसे खतरनाक टीम है और जो पिछले 5 सालों से ट्रेनिंग कर रही है। पोर्टर ने कहा कि उसे विश्वास है कि वे अगले गेम में सफल होंगे। इसके बाद पोर्टर ने अपनी माँ से मुलाकात की, जो अस्पताल में भर्ती थी। पोर्टर निराश था, क्योंकि वह टीम के विश्वास को बनाए रखने में असफल रहा, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि वह और उसकी टीम इस टूर्नामेंट को जीतने में जरूर सफल होंगे। जब टीम कैंप में लौटी, तब दूसरे लड़कों ने मस्टैंग्स का स्वागत किया और उन्हें चिढ़ाने लगे, क्योंकि वे हार गए थे। इससे उन्हें बहुत दुख हुआ और सबने अगला मैच नहीं खेलने को सोचा। और तब पॉल ने पोर्टर को अपने कमरे में बुलाया। उसे पोर्टर पर अगले गेम में टीम उतारने की महत्वाकांक्षा पर संदेह होने लगा कि लड़के अब खेलेंगे भी या नहीं, क्योंकि इस बुरी हार से टीम और सारे लड़के अंदर से टूट गए थे। पोर्टर भी अपने आप में निराश था और उसने लड़कों को उस दिन प्रैक्टिस भी नहीं करवाई, ना ही किसी को खेलने को कहा। लेकिन अगले दिन मस्टैंग टीम पोर्टर के निर्देशों के बिना ही ट्रेनिंग कर रही थी। इस चीज को देखकर सब में जोश आ गया। अब उनका अगला मैच बुलडॉग टीम के खिलाफ था, लेकिन मस्टैंग टीम इस मैच को भी हार गई। लेकिन उन्होंने इस मैच में बहुत अच्छा खेला और क्लोज जाकर ये मैच हारे। एक मोमेंट पर वो लोग ये मैच जीतने ही वाले थे, लेकिन अंत में जाकर हार गए। लेकिन उन्होंने उत्साह के साथ अपनी ट्रेनिंग जारी रखा और इससे टीम में विश्वास का माहौल काफी बढ़ गया। उन्होंने कॉम्पैक्ट तरीके से खेलना शुरू किया और फिर कभी हार नहीं मानी। अगले गेम में वे कॉन्फिडेंस से ग्राउंड में उतरे और बढ़िया खेले। विली ने ओवेंस की मदद से गोल भी किया और वे लोग इस मैच को जीत गए। साथ ही विली और ओवेंस में दोस्ती भी हो गई। ये बहुत खुश थी, वे कितने खुश थे कहा नहीं जा सकता। और फिर इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए वे पोर्टर के साथ स्विमिंग पूल में एक साथ तैर आ गई। एक दिन पोर्टर की माँ की हालत गंभीर थी, इसलिए पोर्टर उनसे मिलने गया और तब पोर्टर की माँ ने टीम को अपनी शुभकामनाएं भेजी। जब पोर्टर कैंप लौटा तो उसने देखा कि टीम ट्रेनिंग नहीं कर रही है, तब वो उनके बेस पर गया। पता चला कि मस्टैंग टीम ने पोर्टर की माँ के लिए फूल और नोट्स भेंट किए थे। इसे देखकर पोर्टर बहुत भावुक हो गया। पोर्टर की माँ की हालत बहुत गंभीर थी। पोर्टर ने सभी लड़कों के संदेशों को अपनी माँ को दिखाया। वो बहुत खुश होती हैं। पोर्टर को अपनी माँ पर गर्व था, क्योंकि जब कभी भी खराब परिस्थितियों में जब पोर्टर का आत्मविश्वास खोने लगता था, तो उन्होंने ही हमेशा पोर्टर को अपने पैरों पर खड़ा किया। इसलिए पोर्टर तब बहुत टूट गया जब उसकी माँ ने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब अगला मैच होता है जिसमें मस्टैंग टीम जीत जाती है और वे लोग लगातार 7 मैच जीत जाते हैं, यानी उन्होंने 10 में से 7 मैच जीत लिया है और बस एक मैच बचा था। पोर्टर को टीम पर बहुत गर्व होता है, जो बेस्ट रिजल्ट देने में कामयाब रही। बाद में पोर्टर को किलपैट्रिक कैंप के लड़कों के लिए खेद हुआ, जिन्होंने कभी भी माँ के प्यार को ठीक से फील नहीं किया था। बिट्स, जो टीम के लिए अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करने की कोशिश करता है, उसने अपनी माँ के लिए एक लेटर लिखा जिसमें उसने कहा कि वह अब सुधर चुका है और जब वह जेल से बाहर निकलेगा तब उन्हें उस पर प्राउड होगा। मैडलॉक ने भी अपने परिवार को पत्र लिखा जिसमें वह बताता है वह टीम में डिफेंडर बनकर बहुत खुश है और उसने अपने राइवल्स को रोककर टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई और वह इस नई लाइफ से काफी खुश है। लियो ने भी अपनी फैमिली को लेटर लिखकर बताया कि वह एक बॉल थ्रोवर है, साथ ही टीम का कैप्टन भी है। वह अपनी गेम को लेकर बहुत एक्साइटेड है और उनकी टीम सेमीफाइनल्स में भी पहुंच चुकी है। तब विली ने डेनियल को भी पत्र लिखा कि वह अब बदल गया है और उसे लड़ने से ज्यादा बैच बॉल पसंद है। पोर्टर ने विली का पत्र डेनियल को दिया, लेकिन उसके पिता को लगता है कि विली एक अच्छा लड़का नहीं है और अपराधी है, और उसका मानना है कि विली डेनियल के लिए अच्छा लड़का नहीं हो सकता। लेकिन पोर्टर ने कहा कि वो बहुत अच्छा लड़का है और बदल चुका है, उसके अंदर अच्छा करने की भूख है। और फिर वह वहां से चला जाता है कि फ्री अचानक विली से मिलने के लिए जेल में आया, लेकिन उसे विली से नहीं मिलने दिया गया क्योंकि सबको पता था कि वह किस नेचर का बंदा है। जाते समय उसने ओवेंस को देखा और उसे मारने की धमकी दी, जिससे ओवन भड़क गया। अब अगला मैच होने वाला था, सबके परिवार वाले उन्हें चीयर करने आए थे। बिट्स की भी माँ बहुत खुश लग रही थी और अपने बेटे को काफी चीयर करती हैं। डेनियल भी अपने फादर के साथ विली को देखने आई थी। वहाँ फ्री भी अपने कुछ लड़कों के साथ मैच देखने आया था। अब लड़के अपनी फैमिली और साथी को देखकर बहुत उत्साहित होते हैं। तब गेम में ओवेंस ने विली के लिए एक बड़ा ब्लॉक बनाया, जिसकी मदद से विली ने गोल किया और टीम यह मैच भी जीत गई। हालांकि ये मैच एक फॉर्मेलिटी ही थी, क्योंकि मस्टैंग्स टीम ऑलरेडी ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी थी। अब बहुत सारे प्रचार वाले
और सभी के फैमिली वाले उनसे मिलने ग्राउंड में आए। और तब फ्रेवी विली से मिलने ग्राउंड में आया कि तभी उसे रास्ते में ओवंस दिख गया, जो 95 गैंग से था। उसे देखकर फ्री रुक गया और उन्होंने लड़ाई की, और अंत में फ्री ने ओवंस को गोली मार दी जिससे वह जमीन पर गिर गया। और तब फ्री उसके सिर में शूट करने ही वाला था कि वहां विली आ गया और फ्री को ढकेल दिया और ओवंस को बचा लिया। पोटर भी वहां दौड़ता हुआ आया। फ्री यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि विली ओवंस की मदद कर रहा था। फिर जब पुलिस वहां पहुंची तो फ्री ने उन पर भी गोलियां चला दी। तब अधिकारियों और अफसरों ने जवाबी गोलीबारी की, जिसके परिणाम स्वरूप फ्री की मौत हो गई। विली इस घटना से बहुत दुखी था। ओवेन को अंततः अस्पताल ले जाया गया और सौभाग्य से वह बच गया, लेकिन इस घटना के परिणाम स्वरूप वह सेमीफाइनल मैच से बाहर हो गया। मेलकॉम ने पोटर को बताया कि टूर्नामेंट कमेटी ने उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है इस कारण से कि टीम से दूसरों को खतरा है। तब पोटर बहुत उदास हो गया। दूसरी ओर विली को उसके गैंग द्वारा गद्दार माना गया क्योंकि उनके लीडर फ्री को मार दिया गया और विली ने अपने ही दुश्मन को बचाया। तब उनके बीच बहस शुरू हो जाती है जिसके कारण विली को एक अलग कमरे में भेज दिया गया। तभी पोर्टर वहां आता है और उसने विली को सलाह दी कि यदि वह अपने गैंग में वापस लौटता है तो भी वे लोग फ्री की मौत के लिए उसे दोषी ठहराएंगे और उसे मार भी सकते हैं, लेकिन वह सही रास्ते पर रहेगा तो पुलिस उसकी सुरक्षा करेगी। विली इतना निराश था कि उसके साथ जो भी कुछ हुआ था वह उसके बारे में चिंतित था। तब उसने विली को सांत्वना दी और उसे उन लोगों को माफ करके अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जिन्होंने उसे चोट पहुंचाई थी। हिंसा के चलते टीम के बाहर होने के बाद सभी खिलाड़ी दुखी थे, लेकिन पोटर और मेलकम के साथ टेड तथा फिन ने टूर्नामेंट कमेटी के साथ मीटिंग की, लेकिन कमेटी वाले मैच के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन टेड ने कहा कि अगर मैच होता है तो ये बच्चे अपनी जिंदगी में सुधार लाएंगे और समाज को बेहतर बनाएंगे। और टेड ने इस मैच की सिक्योरिटी अपने ऊपर ली। उसने कहा कि वो इस मैच में फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा और कोई भी हिंसा नहीं होगी क्योंकि पुलिस में उसकी बहुत जान पहचान है। तब ये लोग मान गए और मैच को मंजूरी दे दी। टेड ने बहुत ही तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध किया और मस्टैंग्स का सेमीफाइनल मैच पेनिंगटन सिटी के साथ होता है। पहले मैच में एक भी गोल ना कर पाने से लड़के इस मैच में अपना बेस्ट देते हैं और बेनिंगटन टीम को बुरी तरह से हराते हैं। सब बहुत खुश होते हैं, अब वो एक प्रॉपर टीम बन गए थे। हमें फाइनल मैच का सीन तो नहीं दिखाया जाता बल्कि ये बताया जाता है कि मस्टैंग्स टीम 17-14 यानी 3 गोल के अंतर से मैच हार गई, लेकिन बाद में उन्हें किसी ने लूजर नहीं कहा। अब मूवी के एंड में हमें सारे कैरेक्टर्स के रियल फोटोज दिखाए जाते हैं और साथ ही बताया जाता है कि जेल से बाहर आने के बाद कुछ ने कॉलेज ज्वाइन कर ली तो कुछ ने बेसबॉल क्लब ज्वाइन कर लिया और कुछ नौकरी करने लगे। सब ने अपनी जिंदगी को अच्छा बना दिया और उनमें से एक भी लौटकर जेल में वापस नहीं आए। तो दोस्तों, हमारी ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो अगर आपको ये मूवी अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।